नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को भागलपुर के मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। यह जो आप देख रहे हैं, यह मायागंज हॉस्पिटल है जो तिलकामांझी से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। काफ़ी अच्छा है, यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, हर विभाग अलग अलग बटा हुआ है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला दिन है, सोमवार का दिन है, इस लाइन में मैं भी हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये बाहर का हो गया। हाँ, एक बात बोल दूँ कि आप कभी भी भूल के शनिवार और रविवार के दिन मत आइएगा, क्योंकि बंद रहता है। और हाँ, सोमवार के दिन तो इतनी भीड़ होती है, हमें बता नहीं सकता, आप लाइन में देखे होंगे कितना ज़्यादा भीड़ था। ये बाहर का दृश्य, ये एक इमरजेंसी वार्ड है, आप ये देख रहे हैं। और ये रहा आपका भागलपुर का मेडिकल कॉलेज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो आपको मायागंज हॉस्पिटल के ज़मीन में बन रही है। इसका अगर लागत की बात करें तो लगभग 2 करोड़ की है। और इसमें जो है 160 बेड की सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल यह बनने वाली है। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जो है इसमें दिल दिमाग किडनी मूत्र रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज होगा। काफ़ी अच्छा है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। अगर जैसे ही ये पूरी तरह से बन जाएगा तो मैं आपके बीच इसका वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो आप ये आने वाला है नेक्स्ट देख रहे हैं, ये रहा आपका भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी भी इनकी अच्छी है। तो अच्छा, इनका रेटिंग भी मैंने देखा है तो 3.8 का रेटिंग है, अच्छा खासा है। तो आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, भाई को सपोर्ट करें, बेल आइकन का बटन जो उसे भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।